अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं हुसैन रज़ा। व्यूवर्स, इस वक्त बैरियर टाउन कराची में सबसे सेफ़ एंड सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और अच्छी खासी रेंटल इनकम भी इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिडवे बी की ऑनसाइट लोकेशन पर। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको मिडवे बी में लोगों का फुटफॉल दिखाना है और जहाँ जो इसमें यहाँ पर बिजनेस रन हो रहे हैं उसके बारे में अपडेट करना है। मिडवे बी में अगर आप जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर की इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ग्राउंड पे कोई भी किसी किस्म की शॉप यहाँ पर अवेल करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं प्लॉट्स के प्री लॉन्चिंग की बात करूँ तो तकरीबन 1.5 करोड़ पर यहाँ पर प्लॉट लॉन्च किए गए थे, जो इंस्टॉलमेंट पर 3 साल के इंस्टॉलमेंट पर यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। आज अगर मैं उन प्लॉट्स के कमर्शियल प्लॉट के रेट्स की बात करूँ तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपये के बिटवीन हमें यहाँ पर एक प्लॉट देखने को मिलता है एज़ पर लोकेशन। अगर जो मेरे बैक साइड पे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है या अगर आपको आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमें बिल्डिंग्स ऑपरेशनल देखने को मिलती हैं, अगर यहाँ पर मैं ग्राउंड के प्री लॉन्चिंग की बात करूँ तो तकरीबन हमें 25 से 30 हज़ार पर स्क्वायर फीट आज से 2.5 से 3 साल पहले जब ये लॉन्च किए गए थे यहाँ देखने को मिल रहा था। आज उनका ही रेट उन बिल्डिंग्स का, उन ग्राउंड्स फ्लोर पर जो शॉप्स का उनका रेट की मैं बात करूँ तो तकरीबन हमें मिनिमम जो रेट है तकरीबन 50 से 55 हज़ार के बिटवीन यहाँ पर रेट देखने को मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। मेरा कहने का मकसद है जिस बंदे ने उस वक्त 25 से 30 हज़ार में बुकिंग इंस्टॉलमेंट पे करवाई थी, आज वो तकरीबन ईजिली आपके सामने ही है, को आलमोस्ट को 2.5 से 3 करोड़ रुपये ईजिली प्रॉफिट गेन कर रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो बैरियर टाउन कराची में सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आप रेजिडेंशियल में मूव हो रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट है रेजिडेंशियल में, अगर आपके स्पोर्ट्स सिटी का विला को परचेज करते हैं जो तकरीबन इस तरह के मार्केट है लिहाज से कोई 2-3 से 2.5 करोड़ के बिटवीन आपको यहाँ पर उसमें रेट देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें कोई विला परचेज करते हैं तो आपको उसका मैक्सिमम को प्रॉफिट गेन है आप 20 से 25 लाख 30 लाख कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे बरक्स अगर मैं कमर्शियल की बात करूं, अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे आपको शॉप लेते हैं तो आप इसमें कैपिटल गेन है जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। आप एक सबसे मिनिमम अगर मैं ग्राउंड फ्लोर के इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, मिनिमम अगर इसमें प्रॉफिट की बात करूँ तो तकरीबन आप इजीली इसमें से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये इजीली आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं उसी बजट में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं इस पर रेंट के हवाले से बात करूँ तो हमें जो रेंट है तकरीबन मिनिमम जो प्राइस में रेंट के स्टार्ट की बात करूँ तकरीबन 1.5 से 1.5 लाख से कुछ मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए हम इजीली यहाँ पर रेंट इंजॉय कर सकते हैं अगर हम कोई ग्राउंड की कोई शॉप इसमें परचेज करते हैं। अगर इसकी मैं बरक्स अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ तो तकरीबन हमें स्पोर्ट्स सिटी में जो रेंट है वो तकरीबन 50 हज़ार पर मंथ ले सकते हैं, मैक्सिमम 60 हज़ार पर मंथ तक हम यहाँ पर रेंट इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमें अच्छा खासा यहाँ पर हम रेंट भी इंजॉय कर सकते हैं और कैपिटल गेन भी अच्छा खासा हासिल कर सकते हैं। अगर हम मैं मिडवे बी में अगर ग्राउंड फ्लोर के रेंट के हवाले से बात करूं तो तकरीबन हमें कोई भी जो प्लॉट है तकरीबन कोई भी ग्राउंड फ्लोर की हमें शॉप्स अगर रेंट पे लेनी हो तो तकरीबन हमें अच्छा खासा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें रेंट पर कोई भी शॉप्स इस वक्त खाली देखने को यहाँ नहीं मिलती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बिल्डिंग ऑपरेशनल हैं और यहाँ पर अच्छा खासा फुटफॉल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर मैं बिज़नेस के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस है वो रन किया जा रहा है वो फूड का बिज़नेस है। फूड स्ट्रीट्स हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर ब्रांड मूव ऑन हो रहे हैं जिसमें हमें OPTP ब्रांड, बर्गोलो क्लॉक, मिर्ची 360 और इस बहुत सी मल्टीपल ब्रांड जैसा कि मार्बल के रिलेटेड द सिटी मार्बल टाइल्स वगैरह वाले और बैंक्स बड़ी देखने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अस्करी बैंक और मतलब बड़ी मल्टीपल यहाँ पर बैंक्स मूव ऑन हो रही हैं। कहने का मेरा मकसद है कि अच्छे खासे यहाँ पर लोग अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं और इसी के साथ ही जिन लोगों की यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा यहाँ से पे बैक भी ले रहे हैं। और अगर आप बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यहाँ पर आते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सजेशन यही है, इस वक्त जो कंडीशन है मार्केट में वो रेजिडेंशियल काफ़ी इफेक्ट हुई है जिसमें प्लॉट्स हैं, विलाज हैं। लेकिन इसके अगर मैं कंपैरिजन करूं कमर्शियल की तो कमर्शियल में हमें वो ही फ्लो देखने को मिलता है और यहाँ पर लोग अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर तो आपको मिनिमम अगर आप
पूरे हालात में भी इसमें चीज़ को सेल करते हैं तो वो आपको तकरीबन 50 से 60 लाख ईजिली आप इसको प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर आप रेजिडेंशियल की तरफ मूव ऑन होते हैं तो आपको उसमें आप जो जिस रेट में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उससे आपको कम लॉस का आप सामना करना पड़ेगा, आप लॉस की तरफ चले जाएंगे क्योंकि आपको जो रेट ले रहे हैं इस वक्त मार्केट में रेजिडेंशियल का वो दिन ब डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है और ये नेक्स्ट फ्यूचर में यही उम्मीद की जाती है कि इनका रेट ठीक होगा। लेकिन अगर आप सेफ़ एंड सिक्योर की तरफ जाते हैं कि हमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे हमें इन्वेस्टमेंट करें लेकिन हमें नुकसान का सामना करना पड़े तो वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर आप मिडवे बी में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई सेल परचेजिंग के हवाले से तो आप हमारे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।